नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और हम छोटे छोटे वीडियोस चैनल पर बनाएंगे, टू द पॉइंट बनाएंगे और किसी टॉपिक को पढ़ाने में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी केवल वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पर हम पहले भी कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, सीटेट के एग्जाम फिर दोबारा आने वाला है, तो अच्छा स्कोर करने के लिए आपको क्या है, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। और छोटे एक टॉपिक को एक टीचर यूट्यूब पर पूरा एक घंटे में पढ़ाता है, तो यहां पर आपका टाइम भी बचेगा, आपका रिवीजन भी होगा। तो रिवीजन के लिए इन वीडियोस को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, ज्यादा इधर उधर का नहीं बताऊंगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट है केवल वही बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम बात करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत के जनक कौन है, तो कौन है, जीन पियाजे। जीन पियाजे कहां के हैं, स्विट्जरलैंड के। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए किस पर प्रयोग किया था, अपने बच्चों पर। इनकी एक पुस्तक है, ये बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी पुस्तक का नाम है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो ये इस नाम से भी जाने जाते हैं, ये आप याद कर लीजिए। इनका एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है, आप सबने पढ़ रखा है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो दुनिया की समझ के बारे में अपने विचारों का स्वयं सृजन करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वातावरण के साथ स्वयं अनुकूलन करते हुए उनका बौद्धिक विकास भी बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, जीन पियाजे का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं में, कब कब, क्या बच्चा किस चीज से सीखता है, इसको जीन पियाजे ने चार अवस्थाओं में बांटा है। पहली है संवेदीय पेशी अवस्था, यहां से हर बार एक प्रश्न पक्का आता है आपके एग्जाम में और हर साल आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं उनको लिखते जाइएगा, ठीक है। संवेदीय पेशी अवस्था, इसका समय है 0 से 2 वर्ष, जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है उस अवस्था को संवेदीय पेशी अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा कैसे सीखता है, संवेदनाओं से, शारीरिक क्रियाओं से, ठीक है। संवेदनाएं व्यक्त करेगा, आपके सामने हंसेगा, रोएगा, हाथ पैर मारेगा, आपको देखेगा, ठीक है, चीजों को देखेगा, सुनेगा किसी वस्तु, है ना, स्पर्श करेगा, दंड के द्वारा या फिर स्वाद के माध्यम से भी ज्ञान ग्रहण करता है बच्चा, ठीक है। तो संवेदीय पेशी अवस्था में बच्चा ज्ञान ग्रहण कैसे सीखता है, तो संवेदनाओं से, शारीरिक क्रियाओं से, चीजों को देखकर, सुनकर, स्पर्श कर, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय है 2 से 7 वर्ष, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वैचारिक अवस्था, पूर्व वैचारिक अवस्था, यानी विचार करने से पहले की अवस्था। इसका मतलब क्या है, इसके बाद जो अवस्था आएगी उसमें बच्चा विचार भी कर सकता है। इसमें बालक कैसे सीखता है, दूसरों के संपर्क में आएगा, खिलौनों के साथ खेलेगा और अनुकरण करेगा, चीजों को देखकर उनको दोहराएगा, ऐसे बच्चा सीखता है इस अवस्था में, ठीक है। दूसरों के संपर्क में आने से बच्चा किस अवस्था में सीखता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें बालक तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि तर्क नहीं कर पाएगा, सीधी सीधी बात करेगा, जो आप बोलोगे वो सत्य मान लेगा, ठीक है। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था इस अवस्था को कहते हैं। इसमें बालक क्या कर लेता है, गिनती गिन लेगा, रंग पहचान लेगा, किसी का नाम बता देगा, है। तो ये सब विशेषताएं किस अवस्था की है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते जाइए, इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसको दो भागों में बांटा है, पूर्व प्रत्यात्मक और अंत प्रज्ञ अवस्था। इनकी विशेषताएं मैंने लिख दी हैं, जैसे खोजी अवस्था, इस अवस्था में बच्चा खोज ज्यादा करता है, तो पूर्व प्रत्यात्मक है, अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित अवस्था भी इसको कहते हैं, ठीक है। अंत प्रज्ञ अवस्था में अपलटावी का जो अपलटावी की विशेषता है वो बच्चे में देखिए, बच्चे में विचारों की अविलोमीयता भी दिखेगी आपको, ठीक है। अपलटावी और विचारों की अविलोमीयता, इसका मतलब होता है कि बच्चा एक टॉपिक पर बात कर रहा है तो उसी टॉपिक पर बात करेगा, है ना, जैसे उस टॉपिक पर उसको आगे बढ़ाते जाओगे तो उस टॉपिक पर आगे बात करता जाएगा, वो पीछे पलट नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेटेड करोगे तो वो सब नहीं कर पाएगा, सीधा सीधा सीखेगा बच्चा। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय है 7 से 11 वर्ष, इसको वैचारिक अवस्था भी बोलते हैं, है ना। मैंने बोला ना पूर्व वैचारिक कौन सी है, इससे पहले वाली, क्योंकि वो विचार से पहले वाली है, इसमें बच्चा विचार कर लेता है, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं।
इसको चिंतन एवं तर्क का काल भी कहते हैं। यहां पर एक एक लाइन, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त अवस्था तक ही सीमित रहता है। तो चिंतन की शुरुआत वाली अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच अंतर कर लेगा, तुलना कर लेगा, उनमें समानता असमानता बता देगा, सही गलत का भेद करना भी सीख जाता है, विभेदन क्षमता का गुण आ जाता है। तो ये पूछ जा सकता है कि भेद करना, विभेदन क्षमता बच्चे में किस अवस्था में आती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी और लास्ट अवस्था है, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसका समय है 11 से 15 वर्ष। मूर्त, जैसे मूर्त यानी कि जो चीजें उसके सामने हैं उन पर चिंतन कर लेगा, जो चीजें उसके सामने नहीं है उन पर भी विचार और डिस्कस कर लेगा वो। इसको तार्किक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि तर्क कर लेता है अच्छे से। इस अवस्था में बालक समस्या का समाधान कर लेगा, संप्रेषणशीलता और निर्णय भी ले सकता है, यानी कि बातें भी अच्छे से कर लेता है, किसी टॉपिक पर निर्णय भी, अपना डिसीजन भी ले लेगा, और किसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका समस्या का समाधान भी निकालेगा। वो कौन सी अवस्था है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये छोटा सा टॉपिक था और यहाँ से पक्का प्रश्न आता है, अगर आपका रिविजन यहाँ से करते रहेगा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज आते रहेंगी, जितना जरूरत होगा उतने कम समय में हम चीज़ों को कवर करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिस भी करेंगे चैनल पर, हर एक चैप्टर के, हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लाएंगे और आपका रिवीजन भी होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सब लोग इसको लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।